सूत्र जो हमने पिछली बार किए उसमें हमने देखा था कि योगी का निर्माण चित बनता है. यस, इट वॉज अ ग्रेट रिवलेशन ऑन दैट डे. उस दिन शायद आपको समझ में आया होगा कि प्रभु जितना योग बल योग बल योग बल बोलते हैं तो योग बल क्या है. और हम लोगों के यहाँ कितनी जगह लिखा होता है सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे. जब ये निर्माण चित प्रकट होता है तो उस योगी के कर्म कैसे होते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ से थोड़े FAQs हमारे शुरू हो रहे हैं. मैंने लास्ट टाइम कहा था ना, ये चैप्टर इज नाउ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन दिस फील्ड ऑफ योग, उनके कुछ कुछ आंसर्स दे रहा है. तो प्रश्न है कि जब योगी का चित्त वासना रहित है, ऊपर चला गया, तो वह साधारण मनुष्य की तरह कर्म कैसे कर पाता है. तुम रिलेट करते जाओ, तुम्हें लगेगा कि प्रभु का चित्त तो वासना रहित हो रहा है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी मोड पर चला गया है, तो वहां से वो हमारी तरह ही नॉर्मल कर्म कैसे कर सकते हैं. तो यहां पर बताते हैं इस सूत्र के अंदर के चार प्रकार के कर्म हैं. शुरू करते हैं 7th नंबर का सूत्र. कर्म शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम् इतरेषाम्. चार प्रकार के कर्म हैं. देखो, कर्म शुक्ल कृष्ण योगी के, और तीन तीन प्रकार के बताए, यानी दोनों के मिक्सचर, टोटल चार प्रकार के. पहला कृष्ण कर्म, यानी काले कर्म, यानी पाप रूपी कर्म, यानी जो दूसरों को हानि तकलीफ पहुंचाने के लिए कर्म किए हो, हिंसा कहो, झूठ कहो, दुराचार कहो, व्यभिचार कहो, ये सारे जो कर्म है जो खुद को और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करे जाते हैं वो कृष्ण कर्म. मुझे कृष्ण वर्ड यूज करना अच्छा नहीं लगता तो मैंने लिख दिया काले कर्म अपनी डायरी में, क्योंकि कृष्ण को मैं रिलेट करती हूँ इमीडिएटली मेरे कृष्ण के साथ, तो इसको ऐसे समझना काले कर्म. दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं शुक्ल कर्म, यानी जो पुण्य रूपी कर्म होते हैं जो अपने और दूसरे के हित के लिए किए जाते हैं. काले कर्म कैसे हैं, जो अपने और दूसरों के अहित के लिए किए जाते हैं. भाई आप हिंसा करते हो तो दूसरों का अहित तो कर रहे हो, साथ ही साथ अपना भी अहित कर रहे हो. आपको लगता है इसमें मेरा क्या अहित हुआ, मैंने तो चिकन खाया तो मेरा तो हित ही हुआ ना. नहीं, लेकिन अगर तुम हिंसा कर रहे हो उसका केवल अहित नहीं हो रहा, तुम्हारा भी पैरेलल अहित हो रहा है. तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पकड़े भी नहीं जा रहे हो, लेकिन जो झूठ की एनग्रेविंग तुम्हारे दिमाग में पड़ रही है वो तुम्हारी चेतना को कहाँ रखेगी, तुम देखो कौन से जोन में, नीचे वाले जोन में. और नीचे वाले जोन में रहना यानी ही दुख है. नीचे वाला जोन, उसमें रहना यानी दुख. मिडल जोन में रहना इसका मतलब सुख, और अपर जोन में रहना इसका मतलब आनंद. ये तीनों का भेद अच्छे से समझ लेना. तो योगी हमेशा कहाँ है, तो कितनी बार तुम मुझसे पूछते हो ना प्रभु आप कैसे हो, क्या जवाब मिलता है, मैं बहुत सुखी हूँ. नहीं, आई लिव इन दिस जोन वॉट एवर कम्स. लेकिन हमारे कर्म कैसे होते हैं, तो पतंजलि योग सूत्र इज सच अ सूत्र कि जिसने कर्म को कितना कंसाइज कर दिया है. पहले बोले काले कर्म जो अपने और दूसरों के अहित के लिए हैं, दूसरे कहे गोरे कर्म यानी शुक्ल कर्म जो अपने और दूसरों के हित के लिए हैं, तीसरे कहे कृष्ण शुक्ल कर्म यानी काले गोरे कर्म मिश्रित कर्म के, जिस कर्म से तुम्हारे जिस कर्म से किसी को नुकसान होता है किसी को लाभ होता है. तुम कुछ ऐसे कर्म कर रहे हो कि तुम चार लोगों को तो लाभ पहुंचा रहे हो लेकिन दूसरे दो को नुकसान भी पहुंचा रहे हो, तो ये मिश्रित कर्म भी होते हैं. लेकिन योगी के कर्म कैसे हैं, अशुक्ल अकृष्ण, ना उनके कर्म दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं ना दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए,
वेरी गुड. तो उनके कर्म कैसे हैं? वो कहते हैं उनके कर्म सहज है. मानवता को जिसकी आवश्यकता है, ह्यूमैनिटी को जिसकी आवश्यकता है, योगी द्वारा चित्रित संघ को जिसकी आवश्यकता है, उस प्रकार के कर्मों का निर्माण योगी द्वारा हो जाता है. एंड यू सी द जर्नी ऑफ एसआरएम. तो योगी के कर्म कैसे हैं? उसके अपने लिए कुछ भी नहीं है. उसके जितने भी कर्म हैं वो उसके संघ को ध्यान में रखते हुए संघ के कल्याण के लिए हो रहे हैं, इसलिए वो कर्म से आजाद है. और योगी को इसका फल भी नहीं चाहिए. योगी को मुझे तो इसका फल भी नहीं चाहिए. मेरी भावना है कि आप सब उस चित्त अनुभव तक पहुंचे, निर्माण चित्त तक पहुंचे, लेकिन कोई फल की आकांक्षा नहीं है कि उसके लिए आकुलता व्याकुलता हो रही है कि क्यों नहीं करते हो तुम स्वराज क्रिया. मैंने इसलिए ना लीडर्स लगा रखे हैं तुम्हारे पीछे. वो लीडर्स आकुलता व्याकुलता में जाए, वो लीडर्स तुम्हें समझाएं, तुम्हें कन्विंस करें, लेकिन दिस इज नॉट माई ड्यूटी. मैं केवल तुम्हें इसके बेनिफिट्स बताऊंगी. बाकी तुम्हें कंट्रोल करना, तुम्हें कन्विंस करना, ये सब के लिए वी हैव अ बेंच एंड अ टोटल पैनल ऑफ लीडर्स. इसलिए योगी के कर्म वासना रहित हैं. पूर्व के कर्म है, उस कर्मों के कारण नए कर्म करता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं. चाहे इतना बड़ा ऐसा से निर्माण अधीन है अभी, लेकिन उसके निर्माण के कर्म का फल का 1% भागीदार भी योगी नहीं होने वाला. ये कितनी बड़ी बात है. कर्म फल का 1% भागीदार भी योगी नहीं है, कर्म का भागीदार है. आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं कंट्रीब्यूशंस मांगती हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ. मैं आई मीन्स माई टीम, उन सबके लिए कर्म के लिए योगी पूरा पूरा जिम्मेदार है, लेकिन साथ साथ आश्वस्त है कि कर्म का फल तो मिलने ही नहीं वाला. तुम सोचो ये योगी को क्या लॉटरी लग गई है. तो कर्म किए जा. कृष्ण ने कहा तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर. और यहां पतंजलि कह रहे हैं तो कर्म किए जा, कर्म का फल तो मिलने ही नहीं वाला. वाह, व्हाट अ वंडरफुल कॉन्ट्रास्ट. बट व्हेन यू रीच टू दैट स्टेट, ओहो आश्चर्य, तुम भूल जाते हो बार बार. ये यू मस्ट ट्राई फॉर दैट स्टेट. एक बार वो स्टेट आ जाए. लेकिन आपको सच बताऊं कि पूरी शायद सद्गुरु जैसी चित्त दशा बहुत बहुत मुश्किल है. पूरी नहीं पैदा होगी, लेकिन स्टिल अंश अंश में बहुतों में प्रकट हो रही है, अंश अंश में. और जब ये अंश अंश में तुम में प्रकट होती है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कार्मिक वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ये दशा, चित्त दशा, द हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं, यू राइज अबव द जोन ऑफ कर्मा. तो तुम उस जोन में पहुंच जाते हो वेयर यू ऑल्सो गो अबव दैट कर्म फल. यानी तुमने 100 कर्म किए हैं, फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग इट सिंपलर फॉर यू, आपने 100 कर्म किए हैं, पर साथ साथ में समाधि के आंशिक अनुभव है, तो उन 100 में से तुम्हें केवल 20 कर्मों के फल मिलेंगे. 80 तुम्हारे को, 80 के लिए तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा. बाइज्जत बरी. जैन शास्त्रों के अनुसार कहूं तो तुम्हारे अधिक से अधिक कर्म अनिकाचित कर्म होंगे. निकाचित कर्म बहुत ही थोड़े, वैसे ही 1% होते हैं, लेकिन उस 1% में भी वो कहते हैं अब खाली 20% रह जाएंगे. यानी उस 1% में से भी 80% निकल जाएंगे. ये तुम्हारी चित्त की दशा हो जाएगी. Isn't it wonderful? और हम देख पा रहे हैं क्यों, इसी कारण तुम्हारे कोई भी कर्म ना अवरोध नहीं बनाएंगे जल्दी से. आगे देखते हैं कि साधारण मनुष्य देखो कौन से कर्म करता है, काले, गोरे और मिश्रित. और सद्गुरु कौन से कर्म कर रहा है, अशुक्ल अकृष्ण. यानी बस कर्म कर रहा है, फल की चिंता क्या, फल आने ही नहीं वाला, ही इज सो मच अश्योर्ड. लेकिन ये बाकी के पहले 3 कर्म जो है, कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित, इनका क्या परिणाम है वो 8th और 9th में देखते हैं. ततस्तद्विपाकानो गुणानां एव अभिव्यक्तिर्वासना.
साधारण मनुष्य के तीन प्रकार के कर्म होते हैं. द मोस्ट कंसाइज कर्म फिलोसॉफी इज इन पतंजलि योग सूत्र. क्योंकि पतंजलि तो एम्फसाइज किस पर कर रहे हैं? कर्म रहित दशा पर, समाधि पर. इसलिए कर्म का जो टॉपिक है ना, पतंजलि ने बहुत छोटे में निपटाया है. ऑब्वियसली जब कोई दूसरी चीज पर एम्फसाइज कर रहा है तो ही हैज नॉट इलैबोरेटेड द टॉपिक ऑफ कर्म. तो ये दो चार सूत्रों में ही उन्होंने कर्म की बात कर दी कि बाकी के कर्मों, बाकी के लोगों का क्या होता है जो भी कर्म करते हैं. काले कर्म, गोरे कर्म और मिश्रित कर्म, उन लोगों का क्या होता है. तो कहते हैं कि उनके जैसे जैसे कर्म होते हैं ना, उस अनुरूप उनको फल मिलता है. सो सिंपल. काले कर्म है तो काले फल मिलेंगे, गोरे कर्म है तो गोरे फल मिलेंगे. शुभ करे फल भोग वे देवा दी गति में, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित न होए. ये मैं कह रही हूँ ना, आत्मसिद्धि के पैरेलल चलेंगे हम लोग, तभी तुम्हें ये सूत्र समझ में आएंगे. चित्त में वासनाएं हैं, दो प्रकार की वासनाएं होती हैं और वो संस्कार रूप से रहती भी हैं. जैसी वासनाएं हैं, शुभ वासनाएं हैं तो वैसा फल मिल जाएगा. जैसे तुम्हारे पास तुम्हारे आईडी कार्ड पर ए बी सी डी ग्रुप्स लिखे हुए हैं ना, तो तुम्हारे ग्रुप पर जो ठप्पा मरा हुआ है तुम्हें वैसा सिटिंग प्रेफरेंस यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता. ऐसा ही जिसके चित्त पर जिस तरह का संस्कार है, जैसा कर्म है, उसको उस योनि में पैदा होना पड़ता है. तुम चाहो तो शुभ करे फल भोगवे वो गाथा ले सकते हो ताकि कवर हो जाए यहाँ से. शुभ करे फल भोगवे देवा दी गति जाए, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित न हो. ये कह रहे हैं यहाँ. बस समझ में आ गई ना तुम्हें? मैंने कहा तुम मुझे सपोर्ट करना हो. जब भी कोई कर्म हमारी चेतना पर चिपकता है ना, तो वो जाति, आयु, भोग और चौथा स्मृति, इसके अकॉर्डिंगली अपने आप डिवाइड हो जाता है. जैसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, नाम, आयुष्य, गोत्र, वो जैनों की बात है. लेकिन प्रभु ने यहाँ इतना ही कहा कि एक स्मृति में चले जाते हैं और दूसरे जाति, आयु, भोग वाले हो जाते हैं. यानी एक स्टोर हाउस में चले जाते हैं. ऐसे समझो कि तुम्हारे घर में कितने सारे डिनर सेट होंगे ना, डिनर सेट अलग 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 होंगे, लेकिन जब कोई माननीय गेस्ट आपके घर में आए तो क्या सारे ही निकाल लेते हो बाहर? जो बेस्ट होता है उसको बाहर निकालते हो, जो उसके अनुकूल होता है उस डिनर सेट को बाहर निकालते हो, और बाकी सारे कहाँ चले जाते हैं? स्टोर में या वॉट एवर, तुम्हारी जो भी इन्वेंट्री जहाँ होती होगी सारे वहाँ चले जाते हैं. इसी तरह जितने कर्म उपयोगी है वो इस जन्म में आ गए तुम्हारे, लेकिन बाकी तुम्हारी इन्वेंट्री के अंदर कहीं पीछे डाल दिए जाते हैं. आज वो भी बात आएगी. आगे चलो, 10th नंबर का सूत्र. प्रश्न कुछ ऐसा है कि अभी आपने कहा जैसे कर्म होते हैं वैसे जन्म हो जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहला जन्म देने वाला कर्म कहाँ से आया. ये क्वेश्चन बहुत लोगों को होता है और उसका आंसर यहाँ दिया. बोल लो, चलो तुम 10वां. तासामनादि तुम चाशिशो नित्य त्वातम. पहली वासना कहाँ से आई? तो यहाँ पतंजलि ने सीधी सीधी बात कह दी कि वह अनादित्वम, ऐसा गाया अनादित्वम, अनादिकाल से है. पहली वासना अनादिकाल से. देखो इस कंसेप्ट को ना बहुत क्लियरली समझ लो, क्योंकि कहीं ना ये प्रश्न हर एक के मन में होता है कि ये पहली वासना कहाँ से आई. तो ये पहली वासना अनादिकाल से ही यहाँ पे मौजूद है. अब जैसे अभी तुम मुझे देख रहे हो तुम मुझे स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ देख रहे हो, जहाँ देखना है. तो यहाँ सामने कुछ टी लाइट होल्डर्स भी पड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर. तो ये टी लाइट होल्डर्स तुम्हें जब तुम मुझे देख रहे हो तब ये दिख रहे हैं क्या?
लेकिन वो है तो सही ना, तुम्हें नहीं दिख रहे पर वो मौजूद इस समय भी है। इसी तरह वासनाएं अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेगी। तो ये पहली वासना की बात ही नहीं, और तुम मेरा हाथ देख रहे हो ना, यूं घूम रहा है। पहले का मतलब ये होता है कि समथिंग इज लीनियर, ये पहला है और ये लास्ट है। या पहले के अंदर हम लाइन भी बनाते हैं तो पीछे वो इन्फिनिटी डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि इट इज समथिंग अ लीनियर प्रोग्रेशन। बट दिस इज नॉट अ लीनियर प्रोग्रेशन। ये प्रश्न का समाधान अपने चित्त में डाल दो, इट इज अ सर्कुलर पाथ। तो वासना जो है ना वो भी सर्कल में घूम रही है, वो एक सर्कल है, वो उसमें घूम रही है, उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है। तुम इतना कर सकते हो कि वासना के सर्कल से उपासना के सर्कल में आ जाओ, तुम इतना कर सकते हो। द अदर सर्कल, यू जंप ऑन द अदर सर्कल। तो इसमें वासना का सर्कल कौन सा दिख रहा है तुम्हें? अब इसको सर्कल से देखो, थोड़ा इमेजिन करो, अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ। वासना नीचे के जो तीन है, ये तीनों के तीनों वासना है। यस, ये वासना कहां से आई? उसने पूछा, पहला कर्म बनाने वाली वासना कहां से आई? बोले वो अनंत है, लेकिन देयर इज सम वे जिससे मनुष्य उपासना में चला जाता है, एंड देन देयर इज सम वे जिससे मनुष्य केंद्र में आ जाता है। ये ढंग है भाई, यहां से वासना से उपासना में आना तो उसके लिए सदगुरु का मुद्रा, वचन, समागम के प्रति प्रेम चाहिए, और उपासना से शून्य में आना, केंद्र में आना, उसके लिए साधना की कोई प्रक्रिया चाहिए। बस इतनी सी बात है। लेकिन हम सोचते रहते हैं कि अरे अगर कर्मों का नाश ही नहीं होने वाला, अगर वो अनादि काल से है, वो लेकिन वो अनादि काल से बाहर के सर्कल में। यू कैन जंप इन द इनर सर्कल एंड देन अगेन यू कैन जंप इन द सेंटर। और उन सभी के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया होती है। यही कहा इसके अंदर कि वासना कैसी है, वासना का चक्र बाहर वाला है। एंड मैंने आगे भी समझा दिया, उसके अंदर से हम उपासना में जा सकते हैं और वहां से शून्य में।